तो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है वीडियोकॉन कंपनी का टीवी रिपेयर होने के लिए आया है और उसमें किसी ने साइना सर्किट बिठाई हुई है और अब हम इसे देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है हमारा। यहाँ से मैं पावर को ऑन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं टीवी का केबल लगा देता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने ऑन किया और टीवी में यहाँ पे देखिए ये हमारा फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है बल्ब। अब मैं एयर टीवी को यहाँ से बंद करूँगा। देखिए, बंद कर दिया। अब मैं पहले इसे खोल लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने टीवी को खोल लिया है और मैं यहाँ से आज आपको मैं वीडियो को कीप नहीं करूँगा, सिर्फ आपको इस टीवी में लाइव दिखाऊँगा क्या हम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से मैं सब हटा लेता हूँ पहले वायरिंग। मैं पहले एसी वोल्ट पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एसी पे मीटर लगाया है हमारा। एसी वोल्ट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? देखिए, यहाँ पे एसी वोल्ट ही हमारा नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा एसी सेक्शन में प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये फ्यूज़ हमारा लगा हुआ है और यहाँ पे हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे पहले। देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी तो नहीं बता रही है। ऐसे बता रही है तो ये हमारी यहाँ पे एनटीसी लगी रहती है और एनटीसी को मैं ओपन कर दूंगा। देखिए, ये एनटीसी को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। यहाँ पे देखिए, अब मैं पावर फिर से देता हूँ क्या हमारा। देखिए, हमारा शॉर्टिंग चला गया है। अब हमारा शॉर्टिंग कुछ दूसरे जगह पे है। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बन रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं। अब हमें ये सेक्शन, ये चारों डायोड और ये कैपेसिटर को चेक करना है और ये ट्रांजिस्टर को भी चेक करना है। 18.0 बे को हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम ये एनटीसी को फिर से जोड़ दिया है दोस्तों और मैं यहाँ पे बारी बारी तरीके से ये डायोडों को पहले मैं चेक करता हूँ। बराबर है हमारा, ठीक है, ये भी हमारा सही है। ये हमारा डायोड ख़राब होगा तो बीप रेंज आएगी। ये हमारे चारों रेक्टिफायर डायोड ओके है और एक कंडेंसर हमारा यहाँ पे देख लेता हूँ। 450 वोल्ट 220 माइक्रोफैरड में है और ये भी से यहाँ पे हमारा ये ट्रांजिस्टर को भी मैं चेक कर लेता हूँ और 3807 को भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारा सभी सही है। अब मैं ये ट्रांजिस्टर को हमारा देख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है। अब मैं इस तरह पे यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे फॉल्ट ये मिला है। देखिए, ये ट्रांजिस्टर आपको सही लग रहा होगा लेकिन ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे देखिए, दोनों चार्ट रीडिंग हमारी गलत बता रहा है। ये हमारा ओपन हो चुका है, शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा। अब मैं पहले इस 18.02 को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ट्रांजिस्टर बाहर निकल लेते हैं पहले। ये ओपन हो चुका है इसलिए हमारा शायद फुल शॉर्टिंग बता रहा है। और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ पहले।
इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, को नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा 2310 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे रीडिंग, ये हमारा दोस्तों ओपन हो चुका है, बाहर हम निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। मेरे पास ये मीटर है उसमें ही बताएगा, दूसरा हम वो हल्के वाला मीटर यूज़ करेंगे तो उसमें दोस्तों नहीं बताएगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा 802 का ट्रांजिस्टर लगाता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सब सप्लाई ओके हमारी आ चुकी है कि नहीं। देखिए मैंने ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद यहाँ पे 300 वोल्ट हम पहले चेक करेंगे, 330 वोल्ट यहाँ पे देखिए 330 वोल्ट हमें प्रेजेंट मिल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा 330 वोल्ट मिल रहा है। हमारा ट्रांजिस्टर 802 ख़राब हो चुका था, पे नया लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने 802 को यहाँ पे लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ इसको टेस्ट करके। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पहले रीडिंग चेक करके हमारी। इस बारी यहाँ पे देखिए हमारी ये रीडिंग आनी चाहिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे और माइनस बच्चे। अब मैं यहाँ पे पहले लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पे कस के इसे इनके कस देता हूँ मैं। रिंग कर लूँगा, अब यहाँ पे देखिए हमारा 110 वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए। मैं टीवी को ऑन कर रहा हूँ, देखिए हमारा यहाँ पे 106 वोल्ट तक आ चुका है। ओके है, हम प्रीसेट से प्रीसेट घुमा के इसे सही करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे सही हो गया है और मैं आपको टीवी में भी दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। और मैं पहले इसे ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको टीवी में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा टीवी बिल्कुल ऑन हो चुका है और मैं आपको पहले ये टीवी को पैक कर लूँगा और आपको चित्र और ऑडियो सुनाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ और रिसीवर को भी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा टीवी ऑन हो चुका है और क्या इसमें सामने खड़ा। देखिए हमारा वीडियो दोस्तों आ चुका है। देखिए फुल शॉटिंग हमने कैसे निकला, और आप लाइक अने कमेंट जरूर करजो, सब्सक्राइब करो जेथी करीने मैं सारा सारा वीडियो लाता रहूं।